जय माई की। गुरु जी जय माई की। गुरु जी, लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं और ये प्रश्न कहीं ना कहीं हमारे मन में भी हैं, तो मेरे मन में ये विचार आया कि आपसे एक वार्तालाप हो, एक संवाद हो और उनमें इन समस्याओं का, इन मतलब शंकाओं का समाधान किया जाए। तो आपकी आज्ञा हो तो इस वार्ता को शुरुआत करें हम। जरूर जरूर। और हमें पता है कि आपके जो प्रश्न होंगे वो प्रश्न केवल आप तक ही सीमित नहीं होंगे, बहुत सारे साधक जो साधना करना चाहते हैं वो प्रश्न उनसे जुड़े हुए होंगे, तो वो सभी के लिए बहुत अच्छा उनको लाभ मिलेगा उसको देखने सुनने से। तो आप पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत। ठीक है गुरु जी। तो गुरु जी, पहला प्रश्न जो मेरे मन में आता है और लोगों में भी मुझे लगता है इस विषय को लेकर बहुत भ्रांतियाँ हैं, वो ये है कि वास्तव में तंत्र है क्या? क्योंकि जब भी तंत्र का एक नाम या उल्लेख आता है लोगों के बीच में तो एक भय व्याप्त हो जाता है, या फिर जो विचार कर्म हैं उन्हीं के बारे में ही लोग असल में जानते हैं। तो वास्तव में मूल स्वरूप क्या है, तंत्र है क्या? जैसे अभी आपने चर्चा इसमें की है कि लोगों के मन में भ्रांतियाँ हैं, हाँ, तो आपको क्या लगता है किस तरह की विचारधारा रखते हैं लोग तंत्र के विषय में? लोग, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं भी इस बैकग्राउंड से कहीं ना कहीं निकला हूँ पहले, कि लोगों को लगता है कि तांत्रिक बुरे होते हैं, पैसे ऐंठते हैं, अलग अनशंट काम करते हैं, बहुत गलत गलत कामों में, जैसे मांस मदिरा का सेवन करना, जैसे अघोर में कुछ होता है। तो मुझे लगता है हालांकि शायद अलग अलग संप्रदाय हैं तंत्र के, बट लोगों को ये जानकारी नहीं है, बट लोगों ने एक विशेष स्वरूप ही देखा है तांत्रिकों का और वो उसी को तंत्र मानते हैं। जैसे मांस खाना, मदिरा का सेवन करना, स्त्री के साथ संसर्ग करना, ये सब चीजें वो मानते हैं कि ये तांत्रिक करते हैं और तांत्रिकों के संपर्क में आना बहुत गलत बात है। तो वास्तव में तंत्र का स्वरूप क्या है और इसे लोगों को कैसे समझना चाहिए? एक व्यक्ति थे, उनका नाम था स्वरूप सिंह, और वो सरकारी नौकरी करते थे। तो स्वरूप सिंह एक बार अपने घर आए और घर आकर के उनके सर में दर्द था, तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि सर में बहुत दर्द है, तो पड़ोस से बाम मांग करके ले आओ, तो बाम लगाएंगे तो सर का दर्द दूर हो जाएगा। पत्नी ने कहा, देखो अपना व्यवहार नहीं है इस तरह का कि कोई बाम हमें दे दे तो हम जाएंगे, वो देंगे नहीं, बोले उस सामने वाले के यहाँ चले जाओ उससे ले आओ। उनका वो नहीं देगा, तो उनका और पड़ोसी से ले आओ किसी से। तो पत्नी ने कहा कि वो भी नहीं देंगे, आप नहीं देते किसी को तो वो भी नहीं देंगे। तो बोले, अच्छा फिर एक काम करो कि अपनी ही अलमारी खोल करके बाम निकाल लो अपनी वाली। तो होता क्या है कि जब तक आप तंत्र को परिभाषित करना जैसे ही प्रारंभ करते हो, तो तंत्र को परिभाषित अगर आप बाहर से कर रहे हो तो फिर तंत्र भ्रांतियों में फंस करके रह जाएगा। आप बाहर से कोई चीज लाना चाह रहे तो तंत्र भ्रांतियों में फंस करके रह जाए। अगर तंत्र को आप अंदर से समझ रहे हो तो तंत्र के मूल स्वरूप को समझ पाओगे। तंत्र के विषय में एक सीधा सा सूत्र है, तन्यते विस्तार्यते ज्ञानम इति तंत्र। ज्ञान के विस्तार को तंत्र कहते हैं। आपके अंतःकरण में माई ने, परमात्मा ने सभी तरह की शक्तियां निहित कर रखी, इकट्ठा कर रखी, इसलिए कहा जाता है यह ब्रह्मांडे सह पिंडे। जो कुछ ब्रह्मांड में व्याप्त है वो सब इस पिंड में भगवती ने, परमात्मा ने उसको स्थान दे रखा। तंत्र उन सभी की ओर जाने वाला मार्ग है, उन सभी को प्राप्त करने के ओर ले जाने वाला मार्ग, और इस मार्ग को ही साधना कहते, साध्यते संसिध्यते इति साधन। जो साधक को साध्य तक पहुंचाए वो साधना है। तो हमारा साधन तंत्र के जो मंत्र हैं, जो उसकी विधियां हैं, वो सभी हैं, और साध्य उन सभी शक्तियों का ज्ञान होना है, आत्मज्ञान। जो हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाए वह तंत्र मार्ग।
अब इसमें क्या है कि तंत्र एक इतना विस्तृत मार्ग है कि तंत्र की ये विचारधारा रही है। तो जो तंत्र के जो ऋषिगण हैं, तंत्र के जो साधु संत हैं, तंत्र के जो तंत्राचार्य हैं, जो गुरु परंपरा है तंत्र की, उसने कुछ ऐसी व्यवस्था की हुई थी कि संसारी व्यक्ति जब उन विधियों को देखे तो वो से वे संसारी लगे। ओके। लेकिन वो संसारी नहीं है, संसार से बाहर निकालने वाली विधियां, उनमें केवल एक संस्कार, संसार का एक फ्लेवर मात्र पड़ा हुआ है। परंतु कालांतर में जो ये सब भ्रांतियों का जन्म हुआ, उसका कारण एकमात्र है कि उसमें एक और विषाक्त चीज डाल दी गई, वो है व्यापार। और जब उसको व्यापार से जोड़ दिया गया और जब व्यापारिक दृष्टिकोण उसमें आ गया, तो फिर वो सब भ्रांतियों को उसने जन्म दिया और उसको वो विषैली हो गई विद्या जी। फिर उसमें वो बात नहीं रही, फिर वो पूरी विधियां जो है व्यभिचार मात्र बन करके रह गई। अधिकांश उनमें से विधियां ऐसी जो व्यभिचार मात्र बन के रह गई, जो एक पाखंड और आडंबर मात्र बन के रह गई। तो इस वजह से लोगों को ऐसा सोचने में आता है कि उनको लगता है कि तंत्र एक बहुत ही बीभत्स मार्ग है, डरावना मार्ग है, घिनौना मार्ग है, इसके साधक बड़े घिनौने होते हैं, गलत कार्यों में संलग्न रहते हैं। जी बिल्कुल, ऐसा ही सोचते हैं। हाँ, तो अमूमन ये सब सोच लोगों की है, लेकिन इसके पीछे का कारण यही है कि अब जो बड़े बड़े प्रसिद्ध तांत्रिक लोगों को दिखाई देते हैं, वो इसी तरह से ही रहते हैं। और वो इस वजह से इसलिए रहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इसी तरह से धन एकत्रित किया जा सकता है समाज से अलग दिख करके। तो अब आत्मज्ञान की बात कौन करे जी, कौन ये कहे कि आप ये तंत्र आत्मज्ञान का मार्ग है। अगर ये कहा जाता है तो उसका फिर मार्केट में कोई स्थान नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी साधारण जनमानस जो एक साधारण भक्त हो सकता है, वो अपनी साधना की प्रगति को तेज करने के लिए इस मार्ग को चुन सकता है। या फिर हम ये कहें कि मतलब मार्ग और भी हैं, हम तंत्र को ही क्यों चुने फिर। हाँ, तो देखो इसमें हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि पहले भी सभी अच्छे तांत्रिक नहीं हुआ करते थे, या तांत्रिक नहीं हुआ करते थे। पहले भी बिरले ही थे, आज भी बिरले हैं और आगे भी बिरले ही होंगे। पाखंड की बात अलग है जी, आप किसी चीज़ का चोला ओढ़ सकते हो, लेकिन आप वाकई क्या वैसे हो, ये होना एक अलग बात है। तो आप बहुत सारे मार्ग हैं, लेकिन ये मार्ग आपको नितांत आत्मज्ञान की ओर ले जाने वाला है। ये मार्ग आपसे आपका परिचय कराता है। ये मार्ग ये कहता है कि तुम संसार को जान लोगे जी। तो क्या जान लोगे, पर क्या पहले तुमने स्वयं को जाना? तुम अपने अंदर क्या क्या कर रहे हो, किस तरह से अपने अंदर प्रयोग कर रहे हो और उनके कितने विस्फोटक परिणाम हो रहे हैं। तुमने पूरे संसार को जान लिया, लेकिन उन संसार को, उस पूरे संसार को जानने के बाद भी उसका उपयोग करने वाले तो तुम ही हो जी। बिल्कुल। और तुम्हारे अंदर तो तुमने ऐसे विषाक्त पदार्थ जमा करके रखे हुए हैं कि जिनका अगर तुम स्वयं उनसे परिचित हो जाओ तो तुम्हें अपने आप से डर लगने लगेगा। तो तंत्र की साधना उन लोगों के लिए है जो स्वयं पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं, आत्मज्ञान को मजबूत करना, आत्मज्ञान को मजबूत करना चाहते हैं। हम बड़े बड़े शब्दों में का प्रयोग कम करते हैं क्योंकि बड़े शब्दों का सबसे ज्यादा व्यवसायीकरण हुआ है। अब आत्मज्ञान की बात करो तो फिर बहुत सारी चीजें और सामने आ जाएंगी, इसलिए हम सरल शब्दावली का उपयोग करते हैं। स्वयं पर आपकी पकड़ होना चाहिए पहली बात।
जब आपकी स्वयं पर पकड़ होगी तो स्वयं पर पकड़ होना ही आत्मज्ञान है। जी बिल्कुल, स्वयं के बारे में आप जानना, स्वयं की पढ़ाई करना। तो ये जिसको जिसको इस चीज की चाहत है, जो इस रस का रसपान करना चाहता है, उसके लिए मार्ग। बाकी अन्य बहुत सारी चीजें हैं। तंत्र में हमने आपसे कहा है कि बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन वर्तमान समय में भी कितनी कारगर हैं, ये इसके ऊपर आधारित है कि हम किस परिवेश में रह रहे हैं। अब बहुत सारी तंत्र की विधियां हैं जिन्हें हमारा कानून मान्यता नहीं देता, तो आप उस में रहते हुए ही आपको उस सब का अनुसरण करना होगा, क्योंकि आप एक सामाजिक व्यक्ति हैं, आपको समाज में रहना। यस, तो इस वजह से उन चीजों का दुरुपयोग ना हो, इसलिए उनको रोका गया। और अब उनका जो स्थूल स्वरूप दिखाई देता है, या लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं, कोई शमशान जा रहा है, कोई वहां बैठ करके कुछ उल्टा सीधा कर रहा है, काले कपड़े पहन करके, काला टीका वीका लगा करके, विवश स्वरूप बना करके, चिता में कुछ झोंका जा रहा है। हाँ, यही स्वरूप जानते हैं तो अक्सर लोग। अब इस चीज को हमें समझना होगा कि इस चीज का तो कोई संबंध है नहीं इन बातों का, इस सब से। अच्छा, आप कुछ भी चिता में डाल रहे हो, या आप काले कपड़े पहने हो, या आप काले टीके लगा करके बैठे हो, या जो भी कुछ ऊट पटांग सामग्री आप अपने पास रखे हुए हो, इस सब से आप प्राप्त क्या करना चाहते हो, लक्ष्य क्या है? अगर लक्ष्य तुमने संसार को ही रखा है, तो फिर इतने ऊंचे उद्देश्य से बने हुए मार्ग का अनुसरण करने का तात्पर्य क्या है? संसार को तो तुम वैसे भी बहुत सारी संसारिक चीजों को प्राप्त कर सकते हो, और सब तो कैसे भी प्राप्त नहीं कर सकते। बिल्कुल, सब कुछ तो प्राप्त हो ही नहीं सकता। सही बात। तो इस ध्येय पर विचार करते हुए कार्य करना। जी बिल्कुल, इसमें मुझे लगता है दर्शकों को काफी मतलब क्लैरिटी आई होगी कि तंत्र सिर्फ एक वो मार्ग नहीं है जिसमें जो आप लोग समझते हैं, या वो लोग जिस स्वरूप में जानते हैं, इस ये आत्मज्ञान का मार्ग है। और जिनको अपनी आत्मज्ञान की प्रगति या अपने पर पकड़, जैसा गुरुजी ने कहा, मजबूत करनी है, उनको ये मार्ग चुनना चाहिए। तो आशा करते हैं कि ये ज़रूरी लोगों को, दर्शकों को समझ हाँ, आया ये होगा। समझ आएगा। और इसको समझ आने का कारण ये भी है, क्योंकि जो हमारे श्रोता है, जो हमारे दर्शक, उन्हें हमने कभी भी चमत्कारों की चटनी चटाई ही नहीं। ये बात तो बिल्कुल अनुभव में है, बिल्कुल सही बात है। तो बिल्कुल कठोर सत्य को झेलने की आदत है, सुनने की आदत है, तो जरूर सुनते हैं लोग, समझते हैं। और जिन्हें समझता है, समझना है, वो समझते हैं, और जिन्हें नहीं समझना, उनको तो इतनी बड़ी हमारी समृद्धशाली परंपरा है भारतवर्ष की, यहाँ एक से एक कोहिनूर हुए हैं जिन्होंने अद्भुत बातें कही हैं, इसलिए तो ये भारतवर्ष है। जब उनको नहीं समझा, उनको नहीं सुना, तो हमें वो तुम्हें कौन सुनने वाला। सही बात। तो प्यास होना जरूरी है, जिनमें प्यास होता ही है उनके लिए जल भी अमृत जैसा होता है। जी गुरुजी। गुरुजी, एक और प्रश्न है जो अक्सर लोगों के मन में आता है, और जैसे ही तंत्र का नाम उभर के आता है तो उनके मन में बहुत, लोगों के मन में बहुत जिज्ञासा कहें या आशाएं कहें, वो एकदम से जाग जाती हैं कि हमारे जीवन की, ये संसार दुख से भरा हुआ है, और हमारे जीवन के जितने भी दुख हैं वो तंत्र मार्ग से दूर किए जा सकते हैं। वो लोगों को लगता है कि कोई छोटा सा मंत्र या कोई टोटका, जैसे देसी भाषा में हम कहते हैं, कोई ऐसी चीज़ हमें किसी गुरु से प्राप्त हो जाए जिससे हमारे जो सांसारिक समस्याएं हैं उनका समाधान हो जाए। तो क्या वास्तव में तंत्र में कोई मार्ग ऐसा है या कोई तरीका है जिससे जीवन को, लोगों के या उनके दुखों को सरल बनाया जा सके? प्रश्न अच्छा है, इसमें हमें थोड़ा सा ये विचार करना होगा। जैसे मान लीजिए आपको एक लोडिंग गाड़ी दी गई, जी, और उसमें पहले से ही आपको जो जो चाहिए वो सब उसमें लोड कर दिए, पूरी भौतिक सामग्रियां भर दी गई, उसे ड्राइव आपको करना है, और आप एक अच्छे ड्राइवर नहीं हैं,
आपको नहीं पता है कि हमें उसे किस तरह से ले जाना है, उस मार्ग पे किस तरह से हमें उसको आगे ले जाना है जी। तो आपके साथ क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता, आपके साथ कितनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं नहीं हो सकती। और फिर जो सामग्री आपको दी गई है उसमें जितना भी परिश्रम लगा है उसे एकत्रित करने में, वो परिश्रम भी व्यर्थ जाने वाला है, आपका जीवन भी व्यर्थ जाने वाला है। अगर मान लो आप एक अच्छे ड्राइवर हैं और आपकी लोडिंग गाड़ी में चीजें नहीं हैं, तो जो मार्ग आपको तय करना है, आपको उस मार्ग में जो जो अच्छा मिलता जाएगा आप उसको समझदारी से रखते चले जाएंगे। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम एक अच्छे ड्राइवर बन जाएं। हमारी गाड़ी में क्या है, जीवन की गाड़ी में कितनी भौतिक सुख सुविधाएं हैं महत्वपूर्ण ये नहीं है, सब भर जाएंगे। पर आप क्या है, आपका दिमाग किस चीज को चयन करता है, आप क्या सोचते हैं? आपके सामने अमृत का प्याला भी रखा है और विष का प्याला भी रखा है जी। और आपको विष में आभास हो रहा है अमृत जैसा, तो आपके साथ क्या घट सकता है जीवन में, इसकी तो चिंता नहीं किया जा सकता है, सोचा ही जा सकता है। तो भौतिक सुख सुविधाओं की जब आप किसी भी ऐसे मार्ग को पकड़ते हैं जो आत्मशुद्धि का मार्ग होता है, जो हमसे हमें जुड़ने का मार्ग होता है, तो भौतिक सुख सुविधाओं की कहाँ कमी रहती है, वो अपने आप आ जाएंगे, वो तो अपने आप आ जाएंगी। आप पर आपकी पकड़ है, आपसे जो चीजें छूट रही हैं वो छूटी तो इसी वजह से रही हैं क्योंकि आपके हाथ मजबूत नहीं है, आपके हाथों की आपकी उंगलियों पर आपकी इच्छा शक्ति काम नहीं कर रही, इसलिए वो छूट जा रही है। और आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है तो इच्छा शक्ति उन उंगलियों को ही मजबूत कर देगी, तो जो भी एक बार पकड़ में आ जाएगा वो नहीं छूटेगा। तो यहाँ पर मुझे ये समझ आ रहा है कि लोग जब भी ये उम्मीद करते हैं तंत्र से तो उनका उद्देश्य गलत होता है, जब मतलब वो उनसे भौतिक चीज़ें प्राप्त करना चाह रहे हैं या हमारे दुखों का निवारण चाह रहे हैं। बट जब आपका ये कहने का मतलब है कि यदि हम अपने आत्मज्ञान के लिए उसको वो करते हैं तो ये बाकी चीज़ें अपने आप स्वतः ही अपने जीवन में आ जाती हैं, पर शायद इतना मतलब धैर्य लोगों के बीच में नहीं होता। एक सोच की थोड़ा सा अंतर है कि हम दुखों को दूर करना चाहते हैं लेकिन मार्ग तो दुखों का ही पकड़ रहे हैं, मार्ग दुखों का पकड़ रहे हैं, दुखों से दूर होना चाहते हैं लेकिन हर उस कड़ी को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं जो हमें दुखों के ऊपर ही सवार कर देती है, तो फिर फायदा क्या है। बट लोगों को तो यही लगता है कि मतलब जो हमारी समस्याएं हैं भौतिक समस्याएं ये इनका निवारण हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, जैसे किसी के पास पैसे नहीं है, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी का बच्चा बीमार है, उसको लगता है कि मेरी ये समस्या का समाधान हो जाएगा तो मेरे लिए तंत्र काम कर गया, मेरे लिए ईश्वर काम कर गया। उनकी जो भक्ति का जो बेसिकली आधार है वो इसी बात से शुरुआत होती है। देखो इसमें हमें ये विचार करना चाहिए कि एक वृक्ष है, उस वृक्ष को अगर आपको पोषण देना है तो आप अगर केवल उसकी पत्तियों को सींचोगे तो क्या वह वृक्ष पोषित हो पाएगा, नहीं। क्या वह पुष्पित हो जाए पाएगा, फलित हो पाएगा, बिल्कुल नहीं। आपको उसकी जड़ को ही सींचना पड़ेगा, बिल्कुल। आप जब जड़ को सींचोगे तो पत्तियां तो हरी रहेंगी, वो पुष्पित भी होंगी और फलित भी होंगी। और ईश्वर से आपकी अपेक्षा है, पर ईश्वर को समझने की भी तो जरूरत है जी, बिल्कुल। आपको ईश्वर क्यों केवल मूर्तियों तक ही सीमित नजर आता है, वो मूर्तियों में भी है, पर जब आप उसे जीवंत में सजीव में नहीं देख सकते तो आप उसे निर्जीव में कैसे महसूस कर सकते, पहले सजीव में तो देखो, जिसमें हलचल हो रही है उसमें ईश्वर को देखने की, उसमें माई को समझने की आदत डालो, फिर तुम्हें निर्जीव में भी दिखाई देने लगेगा। जब वो तुम्हें दिखाई देने लगेगा तब तो तुम्हारी अपेक्षा भी जायज है, बिल्कुल। अभी तो तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, सब कुछ मनगढ़ंत है,
और तुम आगे जा रहे हो अंधेरे में तीर चलाने। हाँ, तुम आगे जा रहे हो, तुम कह रहे हो कि ईश्वर अभी यहाँ हाथ जोड़ा, ईश्वर यहाँ दे दे, फिर लगा यहाँ नहीं है यहाँ दे दे, फिर नहीं है यहाँ दे दे। पहले निर्धारित तो करो ईश्वर है कहाँ, ईश्वर की सत्ता का तुम्हें बोध तो होना चाहिए। फिर जब तुम मांगोगे उससे और फिर मांग नहीं पाओगे, फिर मांग नहीं पाओगे, फिर तुम मांगना ही भूल जाओगे। उसकी सत्ता का जिसको बोध हो जाता है फिर वो मांग नहीं सकता, क्योंकि ऐसा क्या है जो उससे अलग हो। जब सबका ज्ञान हो गया तो फिर सब मांगने से क्या फायदा। बिल्कुल, तो ये आपने बहुत अच्छी उपमा दी है वृक्ष वाली, कि जब हम किसी वृक्ष की जड़ को सींचते हैं तो पत्तियां तो अपने आप, फल तो अपने आप फलीभूत हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी उपमा है और मुझे लगता है दर्शक अपने जीवन में इसको उतारेंगे और समझेंगे कि उनकी समस्याओं का समाधान ईश्वर की शरण में है, ना कि जो टेम्परेरी समस्याएं उनकी आ रही हैं उनको तंत्र मार्ग से दूर करने में है। उनको ईश्वर की शरण पकड़ना चाहिए, तंत्र मार्ग से चुने, किसी भी मार्ग से चुने जो भी उनको सूट करता है अपनी आध्यात्मिक प्रगति के अनुसार, बट असल में भगवत शरण में जाने से ही उनका जो समस्याओं का समाधान है। आपको परमात्मा का जो तत्व है उसको समझना होगा और उसके लिए हमारी बहुत ही समृद्धशाली ग्रंथ शास्त्रों की परंपरा है, तो आप ग्रंथों की शरण में जाइए। अगर आपको गुरु प्राप्त नहीं है, सदगुरु जीवन में आपको प्राप्त नहीं है, तो आपको ग्रंथों की शरण में जाइए, जो मूल ग्रंथ हैं उन मूल ग्रंथों को आपको समझने का प्रयास करना चाहिए। तो आप ग्रंथों की शरण में जाइए। जैसे ही आप ग्रंथों की शरण में जाते हैं तो आपके अंदर दृष्टि भेद उत्पन्न हो जाएगा, आपको समझ में आने लगेगा कि बाजार क्या है और जो मुख्य सार तत्व है वो क्या है। बिल्कुल, क्योंकि अभी तो आप केवल एक ग्राहक हो। जो भी व्यक्ति ईश्वर की सत्ता को, माई की सत्ता को, उसके स्वरूप को नहीं समझता है, हम यहां बिल्कुल खुले रूप से कह रहे हैं कि वो मात्र ग्राहक है, उसको नोचने के लिए पूरा बाजार खड़ा है। और तुम्हारी जिस तरह की सोच है उसी तरह से तुमको कैश कर लिया जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप ग्रंथों की शरण में जाएं और जो मूल बात है उस मूल बात को समझें। गुरु जी, यहाँ पर आपने ग्रंथों का उल्लेख किया है, तो क्या आप जन साधारण के लिए कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट दे सकते हैं कि किस ग्रंथ से उनको शुरुआत करनी चाहिए अपने जीवन में, कि उनके जीवन में भी उनको धर्म का या ईश्वर का सही स्वरूप समझ में आए। हमारे यहाँ एक समस्या और भी है। ये प्रश्न बहुत अच्छा है। समस्या ये है कि ग्रंथों को भी जब हम पढ़ते हैं तो हम उन्हें अपने अनुसार ढालने का प्रयास करते हैं। हम एक पहले से ही अपनी विचारधारा निर्मित कर लेते हैं कि हमें ग्रंथों में ये खोजना है। आप कुछ भी पढ़ें पर एक पूर्वाग्रह दिमाग में रख कर के ना पढ़ें कि आपको उससे ये प्राप्त करना है। आपका गोता लगाना जायज है पर ये सोच करके गोता मत लगाइए कि आपको मोती लाना है या पत्थर लाना है। आप उसमें गोता लगाएं, उसको समझें और फिर जो भी आपको मिलेगा वो किसी मोती से कम नहीं होगा। इसलिए बहुत से धर्मों में और कुछ धर्म विशेष हैं उनमें एक परंपरा रही है ग्रंथी की, एक सही ग्रंथी नहीं प्राप्त हो सका बहुत समय से, बताने वाला नहीं हुआ। तो तंत्र के मारे में उनको लगा है कि कोई बात अगर उसमें चर्चा की जा रही है, संभोग की चर्चा की जा रही है, तो उन्होंने उसका अर्थ लगा लिया कि वो शरीरों का संभोग है, शरीरों का मिलने की बात की जा रही है। हो सकता है कि वो बात किसी ऐसी चीज के बारे में की जा रही हो, वो कुंडलिनी की बात की जा रही हो, वो आपकी एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा से जुड़ने की बात की जा रही हो। तो इसमें जब तक वो ग्रंथी आपके पास नहीं है, जब तक आपकी जो दृष्टि है वो सांसारिक है तो आपको संसारी नजर आए। तो प्रयास करें कि ग्रंथी आपके पास हो, और अगर ना भी हो तो पूर्वाग्रह को स्थापित करके ग्रंथों के पास मत जाइए। खुली विचारधारा से, सहजता से, सरलता से
वो ग्रंथ बड़े सरल हैं, सहज हैं, आप जब सहजता से उनके पास जाते हैं तो आपको निश्चित ही प्राप्त होता है। तो गुरु जी यहाँ पर आपने ग्रंथि का उल्लेख किया, ये मेरे लिए भी नया मतलब एक टॉपिक है, ये मुझे इससे पहले नहीं मालूम था सच बताऊँ तो मैं यहाँ पर दर्शकों के लिए उनके व्याप से पूछना चाहता हूँ कि वास्तव में ग्रंथि का मूल स्वरूप क्या है और क्या गुरु ग्रंथि की तरह काम कर सकता है? हाँ जरूर कर सकता है। हमारे यहाँ परंपरा रही है कि उपदेशक भी हुआ करते थे और गुरु भी हुआ करते थे। तो उपदेशक का ये कार्य होता है कि वो ग्रंथों से संबंधित जो सार तत्व है उसका उपदेश करे, और गुरु का तो कार्य ही यही है कि शिष्य किसी भी निचले पायदान पर हो उसको उसे उंगली पकड़ करके ऊपर लाना ही है, और शिष्य जिद्दी ही होता है, उसका जिद करना स्वाभाविक है, वो जाएगा। वो शिष्य, वो गुरु और शिष्य का माता और पुत्र की अबोध पुत्र की तरह का संबंध होता है कि पुत्र तो अंगारा पकड़ने के लिए ही दौड़ेगा। बिल्कुल सही बात। गुरु का ये कार्य है कि वो उसमें फर्क बताए। तो कभी कभी माताएं ये भी कर देती हैं कि अगर कोई ज़्यादा बालक हटी है और वो अंगारे के लिए हमेशा हट करता है तो थोड़ा सा इस तरह से उसको उसका स्पर्श कराती हैं जिससे उसका हाथ भी ना जले और उसे समझ भी आ जाए कि ये अंगारा है, ये अंगारा है। बिल्कुल सही बात। तो गुरु का वही कार्य है, गुरु को तो शिष्य को ऊपर लाना ही है, और वो किस तरह से लाना है ये उसकी अपनी नैतिक जिम्मेदारी। तो इस प्रश्न का सार ये है कि कोई भी शास्त्र आप पढ़ें उसमें किसी पूर्वाग्रह में पढ़कर कुछ विशेष चीज़ ढूंढने के लिए ना पढ़ें, आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, रामायण से, गीता से, और किसी ग्रंथि, और यदि आपको ग्रंथि नहीं मिलता है तो अपने गुरु के सानिध्य में उसका सही अर्थ समझने की कोशिश करें और ईश्वर के साथ इस तरीके से आप सही तरीके से जुड़ो। गुरु जी एक प्रश्न और मैं यहाँ पर लेना चाहूँगा कि लोग ये कहते हैं कि हमारा जीवन जो है हम जी रहे हैं ये हमारा प्रारब्ध है और हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ही ये प्रारब्ध हमें संचित कर्म फलों के अनुसार प्राप्त हुआ है। संचित तो कई जन्मों के हो सकते हैं, अब प्रारब्ध में हमें कौन से संचित मिले हैं ये पता नहीं है किसी को भी, बट अब हम अपने जीवन में आगे अग्रसर होना चाहते हैं, हमने जो गलतियां कर दी उनको सही करना चाहते हैं, बट जीवन में तो कहते हैं कि मतलब आपको किस बात की सजा मिल रही है आपको पता भी नहीं है। तो लोगों के साधकों के मन में या जन साधारण के मन में ये प्रश्न उठता है कि हम तंत्र के मार्ग से या अध्यात्म के मार्ग से अपने कर्म फल को कैसे मतलब कम कर सकते हैं या फिर उसको काट के आगे बढ़ सकते हैं। देखो आपने पहली बात कही संचित, तो संचित तो है पर जो अभी हो रहा है वो भी तो संचित ही हो रहा है ना। समस्या यहां से खड़ी होती है कि जो पूर्व का संचित है आप केवल वही केंद्रित होकर के रह जाते हो जी, आप उसको आपको उसे छोड़ना होगा, जो गुजर गया उसका आप कुछ नहीं कर सकते पर जो चल रहा है उसको आप जरूर कर सकते, ये भी संचित हो रहा है जी। वो संचित हो चुका है और उसको प्रारब्ध कहते हैं, वो प्रारब्ध आपके जीवन में निर्मित होने वाला है, लेकिन अब जो संचित हो रहा है वो तो अभी आपके हाथ में है जी। तो इसको बदलने की जरूरत है, उसको सोचने की जरूरत नहीं। अब आप कहोगे कि उसके द्वारा जीवन में दुख है, हो सकता है वो जीवन में दुख हो, परंतु उस दुख को हमें किस तरह से समझना है, उस दुख से भी हमें किस तरह से बाहर निकलना है, उसमें भी कैसे सुखद उसको बनाना है, ये तो अभी हमारे हाथ में है। तो हम ये तो कर ही सकते हैं, संचित तो बहुत कुछ है और हो सकता है कई जन्मों का हो और हो सकता है कुछ भी संचित ना हो, सब कुछ अनिश्चितता में है, पर निश्चितता केवल इस बात की है कि जो अभी है वो आपके हाथ में। तो हम अनिश्चितता की बातें ही क्यों सोचें, हम तो जो निश्चित है, जो सुनिश्चित है, जो सामने दिख रहा है, जो हम कर सकते हैं उस पर चर्चा करें। तो ये मतलब मोटे तौर पे वही बात हो गई कि अपने वर्तमान को देखें और अपने कर्मों को आज सुधार लें, पहले हमारा जो भी रहा है
तो ये भी संचित हो रहे हैं। बहुत ही अच्छा सीधा सा सिद्धांत है, तुम्हारा आज अच्छा है तो कल भी अच्छा है, तो तुम्हारा कल सुनिश्चित अच्छा है। बहुत अच्छी बात। और एक्सीडेंटल तो किसी के साथ में कुछ भी हो सकता है, आप कितनी भी अच्छे गाड़ी चालक हो, पर पीछे से आकर के आपकी गाड़ी किससे भिड़ने वाली है, पीछे से कौन आपसे टकराने वाला है, ये तो आपको नहीं पता होता। एक्सीडेंटल तो किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो गुरु जी, आज आपने हमारे इतने सारे प्रश्नों के उत्तर दिए, और ये जो प्रश्न थे ये सिर्फ मेरे ही नहीं थे, ये जन साधारण के हैं, और ये बहुत सारे लोगों को मैंने कहते, बहुत सारे गुरुओं से पूछते हुए देखा है, सुना है। बट जितनी सरलता से आपने, जितनी अच्छी उपमाएं देकर यहाँ पर लोगों को समझाने की कोशिश की है, दर्शकों को और मुझे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करूँगा कि इसी तरीके से आप आगे भी लोगों का मार्गदर्शन करते रहें, जिससे सही मार्ग चुन के लोग अपने जीवन को सुधार सकें। उद्देश्य ही यही है। अंत में केवल इतना ही कहना चाहेंगे कि सहजता को, सरलता को जीवन में उतारिए, और आप जितने आपने आपको कठिन और घनत्व वाला जीवन अपने जीवन को बनाएंगे आप, तो उतने ही आप उलझे हुए रहेंगे, और वो उलझने आपको कुछ भी देने वाली नहीं। तो सुलझी हुई बातें, सहज बातें, सरल बातें जीवन में उतारिए, फिर सब कुछ धीरे धीरे करके अच्छा होता जाता है, क्योंकि प्रकृति आपका सपोर्ट करती है। तो बहुत अच्छी बातें आपने पूछी। जय माई की। जय माई।